चैनल एंड आई होप यू ऑल आर चलिंग वेल। एंड यस, मैंने अपना डायलॉग चेंज कर दिया बिकॉज बहुत टाइम से मैं सेम डायलॉग बोल रही थी एंड मैं खुद बोर हो गई थी। मैं बैठ के बना रही हूँ वीडियो जस्ट बिकॉज मैं अभी तक जितने ही वीडियोज़ मैंने बनाए वो मैं खड़े होकर बनाती थी, खून पसीना बहा के 3 घंटे खड़े होके। आई नो डेट्स लुकिंग वियर्ड, पर मैं खून पसीना बहा के वीडियोस बनाती हूँ एंड उसमें लाइक्स भी नहीं करते आप लोग। आपको थोड़ा सा लाइक करना चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी गाइस, सो सम लव, सो सम केयर एंड ऑल, क्योंकि आपके लाइक से ही जो है ना मोटिवेशन मिलता है गाइस। और अभी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो मेरी पूरा स्टैमिना और एनर्जी सब कम हो गया है, तो मुझे बैठना पड़ रहा है। आज बैठ के बना रही हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि मेरा कल फास्ट था एंड आज मेरा हालत ख़राब है, स्टेमिना बहुत कम है, मैं खड़े होकर वीडियो नहीं बना सकती। सो यार, लेट्स जस्ट टॉपिक को अब हटाते हैं एंड लेट्स जस्ट कम टू द मेन टॉपिक, जो भी आज का है, काम की बात कर लेते हैं अब। ऑल्दो मुझे खड़े होकर ही वीडियो बनाना है ये भी, सो हालत तो ख़राब होनी है। फिर बॉयफ्रेंड्स के टी शर्ट्स होते हैं या फिर आपके ब्रदर के टी शर्ट, या फिर आप अपने फादर की टी शर्ट ले सकते हैं, या फिर कोई भी बॉयज़ टी शर्ट हो, आप उसको कैसे डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। लाइक अब आप अपने तो कपड़े पहनते ही, आप अपने भाइयों के, अपने बॉयफ्रेंड्स के, अपने पापा के भी कपड़े पहन सकते हैं, तो इससे अच्छा बात क्या होगा। क्योंकि अभी हम बाहर शॉपिंग करने नहीं जा सकते, तो जो कुछ भी हमारे पास है घर में, हमें उन्हीं में ही लाइक कुछ दिमाग लगा के कुछ न्यू ड्रेस डिस्कवर करने हैं गाइस। तो आप लोग बताना अगर आपको ऐसे आइडियाज़ पसंद आते हैं जिसमें आउटफिट आइडियाज़ मिलते हो, तो मैं ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगी। तो या गाइस, विदाउट टॉकिंग मच, लेट्स जस्ट बिगिन विद टुडेज़ वीडियो। यू कैन सी दिस इज़ द टी शर्ट, मैरून कलर का, इतना बड़ा, इतना लंबा प्लस इतना लूज़ टी शर्ट है ये, एंड इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है गली बॉय। सो गाइस, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने ये टी शर्ट ख़रीदा है न्यू जस्ट बिकॉज ये वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शो सम लव गाइज। मुझे ख़रीदना पड़ा ये टी शर्ट गाइज, बहुत सारा इस वीडियो को शेयर करिएगा। सो यार, लेट्स जस्ट सी कि कैसे आप बॉयज़ टी शर्ट को वेयर कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। फर्स्ट आउटफिट, ऑल यू नीड इज़ अ बंदाना, या फिर अगर आपके पास बंदाना भी नहीं है देन यू कैन हैव योर स्कार्फ ऑल्सो, एंड जस्ट उसको इस टाइप से रैप कर लेना, अपने स्कार्फ को कवर करते हुए लगाना है एंड पीछे इसको नॉट बना देना है लाइक दिस। सो एज यू कैन सी, कितना प्यारा सा क्यूट सा एक टी शर्ट ड्रेस में ये टर्न आउट हुआ है एंड इट्स समथिंग लाइक दिस फ्रॉम बैक साइड। अच्छा चीज़ हुआ है वो ये है कि जो प्रिंट आपका गली बॉय लिखा हुआ है वो भी प्रिंट भी हाइड हो जाएगा, बहुत ही प्यारा टी शर्ट ड्रेस बन गया एज यू गाइस कैन सी। सेकेंड आइडिया, यू जस्ट हैव टू हैव दिस हेयर बैंड, जो कि ऑनलाइन मैंने परचेज किया था क्लब फैक्ट्री से, अभी नहीं गाइज, बहुत पहले मैंने इसका हॉल भी बनाया हुआ है एंड ये देख सकते हैं इसका साइज़ कितना बड़ा है। यू कैन यूज़ इट एज योर हेयर बैंड ऑल्सो एंड एज अ बेल्ट ऑल्सो, तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगी एज अ बेल्ट। एंड अगर आपके पास बेल्ट है देन आप बेल्ट ले लीजिए, और अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो आप ये वाला जुगाड़ ट्राई करिए, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। एंड जो इसका बो होता है वो बो आपको भी जस्ट बनाना है लाइक दिस, और ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कोई बेल्ट पहना है। एंड यू कैन सी यहाँ पे मैंने रैबिट ईयर टाइप का बो बना दिया है एंड जो बॉय लिखा हुआ था वो भी कवर हो गया, वो भी समझ नहीं आ रहा है। एंड दिस ड्रेस लुक लाइक दिस। ये करने से आपका जो टी शर्ट लूज है वो आपकी बॉडी को एक अच्छा सा कर्व देगा। लेट्स सी द थर्ड आउटफिट आइडियाज। दिस इज द थर्ड आइडिया इन विच यू जस्ट हैव टू कैरी अ बम बैग और अ चेस्ट बैग। एंड इससे क्या फ़ायदा है कि आपका जो आगे
जो भी प्रिंट होता है बॉयज़ के टी शर्ट में वो हाइड हो जाएगा, जस्ट लाइक यहाँ पे जो बॉय लिखा है उसको हाइड करना मोटिव था. सो बहुत अच्छे से कवर हो गया है एंड पता भी नहीं चल रहा है कि इसके पीछे कुछ लिखा है. एंड दिस इज़ अगेन लुकिंग लाइक अ वेरी क्यूट टी शर्ट ड्रेस. गाइज बहुत ही इफर्टलेस आइडियाज मैं दे रही हूँ. अगेन दिस बैग को मैंने परचेज लव फैक्ट्री से एंड अभी नहीं गाइज बहुत पहले किया था, इस पर वीडियो भी बना चुकी हूँ मैं ऑलरेडी. लेट्स सी द फोर्थ आउटफिट आइडिया. फॉर फोर्थ आइडिया यू जस्ट हैव टू हैव अ कैमी टॉप. कोई भी नॉर्मल से जो कैमी टॉप्स होते हैं वो आप कोई भी आप ले लो, क्रॉप टॉप भी ले सकते हैं बट वो स्लीवलेस होना चाहिए. एंड आई एम गोइंग टू वियर दिस ऑन द टॉप ऑफ दिस टी शर्ट. आइडिया में ये हुआ है कि हमारा आगे जो गली बॉय लिखा था वो हाइड हो गया है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट. Let's see the fifth outfit. Guys, that's all for today's video and I hope you enjoyed watching my today's video. I hope you have learned amazing ideas from this video. If you like this video then please comment below, like my video, share my video and hit that bell icon because I'm going to come with more ideas in my upcoming video. Just wait and watch my next video. Till then stay happy and stay healthy. Bye bye.